हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट संदीप वर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कोर्ट मैरिज इंडिया में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि क्या अगर आपने कोर्ट मैरिज कर ली है तो पेरेंट्स उसे कैंसिल करा सकते हैं या नहीं आपकी कंसेंट के बिना। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी कोर्ट मैरिज हो गई है और वो रजिस्टर्ड प्रॉपर कोर्ट मैरिज है पर आपके घर वाले इस शादी के अगेंस्ट हैं, वो इस शादी को कैंसिल नहीं करा सकते जब तक कि लड़का और लड़की दोनों की कंसेंट ना हो। इवन अगर आप कंसेंट भी देते हैं तो भी हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक 1 साल से पहले नहीं होता। लाइक देयर हैज टू बी अ सेपरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ म्यूचुअल डिवोर्स। 1 साल का गैप होना चाहिए पति पत्नी के बीच, गैप इन द सेंस कि दोनों 1 साल से साथ ना रह रहे हों, तब ही तलाक होता है। तो पेरेंट्स की मर्जी से या पेरेंट्स जबरदस्ती शादी कैंसिल करा दें, ये तो दोस्तों सवाल ही नहीं उठता। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपको डर है, आपने कोर्ट मैरिज तो कर ली लेकिन घरवाले राजी नहीं है, किसी वकील से मिलकर या किसी तरह से जाके वो सर्टिफिकेट आपका कैंसिल ना करवा दें, तो ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़की की ही कंसेंट चाहिए होती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि लड़का लड़की का बालिग होना बहुत जरूरी होता है। अगर लड़की बिलो 18 ईयर्स है, लड़की अगर नाबालिग है, इन दैट केस शादी कैंसिल हो जाएगी। पहली चीज तो शादी नहीं होगी, और बाय चांस आपने किसी तरह से कुछ गलत काम डॉक्यूमेंट बना के या किसी तरह से आपने शादी कर भी ली, तो हाँ, पेरेंट्स के पास पूरा राइट होता है कि वो इस शादी को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों बालिग हैं, दोनों मेजर हैं, लड़की 18 साल से ऊपर है, लड़का 21 साल से ऊपर है, तो आपको इस चीज से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं कि घर वाले आपकी शादी को कैंसिल करवा देंगे। ऐसा नहीं होता, और निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।